देन देखिए आपका स्क्लेरेन्काइमा, आप स्क्लेरेन्काइमा क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच आर, दीज आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स, और वो जो सेल्स है वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे सकता है स्टेटमेंट में, जैसे कि कोलेनकाइमा सेल्स आर शॉर्ट, तो आपको बोलना है नहीं कोलेनकाइमा सेल्स लॉन्ग है, लॉन्ग। सर ने क्या पढ़ाया, सर ने पढ़ाया कि कोलेनकाइमा सेल्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी का बात है, और आपको पता ही है हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं कंप्लीटली, एनसीईआरटी बेस्ड एक भी वर्ड लास्ट में नहीं लाते हैं, एक भी वर्ड आपको कम भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारा कहां से बनती है, एनसीईआरटी से, ठीक है। और स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड मुझे नहीं लगता और कोई पढ़ाता है, ठीक है, तो आप सही जगह पर हैं। हम आपको स्मार्ट वर्क करके दे रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको बस उसके साथ हार्ड वर्क ऐड करना है, ठीक है। तो जो सेल होते हैं स्क्लेरेन्काइमा में वो लॉन्ग होते हैं, सेल जो होते हैं वो नैरो होते हैं। आपको क्वेश्चन दे सकती है कि सेल्स इन स्क्लेरेन्काइमा वाइड है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, नहीं, सेल्स नैरो होते हैं। Then having thick and magnified cell walls with numerous pits, pits यानी pores, ठीक है, pits यानी pores, numerous cell wall में क्या रहते हैं, numerous pits रहते हैं, ठीक है, and they are usually dead without protoplast, ठीक है, they are usually dead, ये बहुत ज्यादा important है, कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो usually क्या होता है, dead होते हैं और उनमें protoplast नहीं रहते हैं, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा में प्रोटोप्लास्ट नहीं रहते, तो आपको क्वेश्चन पूछेगी कि नीचे दिए गए चार ऑप्शन में किसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, या फिर ऐसे भी स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकती है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कंटेन प्रोटोप्लास्ट, ट्रू और फॉल्स। तो इसलिए हर एक छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा दिल मन जान सब लगा के पढ़ना है, किसी एक को छोड़ने से नहीं होगा, दिल देने का जगह, दिल दिया है जान भी देंगे, इसको आपको नीट को कहना है, किसको, नीट को, छोकरी या छोकरा को नहीं, ठीक है, छोकरी या छोकरा को कहने का काम टाइम तो आएगा, मेडिकल कॉलेज में जाओ तब जाके छोकरी या छोकरा मिल जाएगा, ठीक है। आप दिल जान मन तन मन धन सब दे दो नीट को, ठीक है। तो दीज आर यूजुअली डेड होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट नहीं रहते हैं उनमें। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपकी फोकस में ताकि रहे हमेशा, लाइन के बीच में ऐसे रह जाए, ऐसे ना हो, इसलिए हम हर एक पॉइंट को ऐसे अलग अलग करके लिखते हैं ताकि आप भी ऐसे रहें, लिखिए कॉपी में और जब पढ़े तब आपके फोकस में आए, हाँ सेल्स लॉन्ग होते हैं, तीन पॉइंट्स था, लॉन्ग होता है, नैरो होते हैं, एंड कीप थिक हैविंग कीप यू थिक एंड मैग्निफाइड वॉल होता है, और उनमें न्यूमरस बहुत सारे पिट्स रहते हैं, और वो सेल क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट नहीं रहते हैं। अब देखिए विदाउट प्रोटोप्लास्ट ये भी रेड कलर करके दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो आप भी ऐसे ही लिख लीजिए रेड पेन से, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरीके की सेल्स रहते हैं स्क्लेरेन्काइमा में, क्या क्या, एक है आपका फाइबर्स और दूसरा है आपका स्क्लेराइड्स, क्या, स्क्लेरेन्काइमा में दो तरीके की सेल्स रहते हैं, एक है आपका फाइबर एंड दूसरा है आपका स्क्लेराइड्स। अब फाइबर जो है वो थिक वॉल होते हैं, क्या होता है, फाइबर्स में वॉल जो है वो थिक होता है, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स होते हैं। आप ये देखिए, ये है आपका फाइबर, क्या है, ये आपका फाइबर जो है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड यानी लंबा, क्या लंबा होता है, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड होते हैं, ये देखिए उसका जो एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है ना, है ना, हाँ पॉइंटेड है, ठीक है। तो सेल का टिप्स जो है वो क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स, इन ग्रुप्स, ठीक है, अब फाइबर्स ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। स्क्लेराइड्स देखिए, स्क्लेराइड्स स्फेरिकल होते हैं, वो क्या होता है, फाइबर्स इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, और स्क्लेराइड्स क्या होता है, स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, ठीक है, एंड दे आर थिकेंड डेड सेल्स,
विद वेरी नैरो कैविटीज। न्यूमेन जो है वो नैरो है। क्वेश्चन आपको दे सकती है कि द स्क्लेराइड्स हैव वाइडर न्यूमेन। तो अगर आप पढ़ते हैं अच्छी तरह मन लगा के, दिल मन सब लगा के पढ़ते हैं, तब भी तब जाके आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अगर दिल देते हैं किसी और को तब वहां भी जाके वही याद आएगा, तब तो याद नहीं आएगा कि स्क्लेराइड्स का ल्यूमेन वाइडर था या नैरो था, तब किसी और चीज याद आ जाएगा कि ये जो ल्यूमेन है स्क्लेराइड्स की, स्क्लेराइड्स क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स, रेक्टेंगुलर सेल स्क्लेरेंकाइमा का, तो वो ल्यूमेन क्या होता है, नैरो होता है। यहाँ पर देखिए ये है आपका स्क्लेराइड जो क्या होता है कि ओवल और राउंड होता है, और जो ल्यूमेन है वो बहुत ही छोटा होता है, नैरो होते हैं और बहुत सारे ऐसे पीट्स रहते हैं, क्या रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पीट्स यानी सेलवा में ऐसे बहुत सारे पोर्स रहता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा थिक सेलवा रहता है। जो सेलवाल है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, थिक होता है, ठीक ठीक है। अब फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स कहां पर मिलते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स आर फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, नट्स का जो हार्ड पार्ट होता है ना, हार्ड पार्ट उसमें रहता है कि फ्रूट्स फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, देन पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा पेयर सेपोटाइन में रहता है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स की जो सीड कोट है उसमें रहता है, एंड लीव्स ऑफ टी, टी लीव्स में क्या रहते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। और फंक्शन क्या है स्क्लेरेंकाइमा की, स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, स्क्लेरेंकाइमा क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट क्या है, ताकि वो हार्ड हो टूटे ना, या फिर स्टेम में है या फिर लीव्स में है तो वो हार्ड हो वो टूटे ना, ठीक है। तो इसलिए ये स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है।